तो फाइन, ये जो हमारा चैप्टर था दैट वाज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें हमने मेजर जो भी इसके प्रोसेसेस थे वो सारे हमने अभी तक डील कर लिए हैं। हमने यहाँ माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन जो कि हमारा लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, वहां तक सब कुछ आप लोग सीख चुके हो। तो यू ऑल हैव लर्न्ड अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। और डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन का ये जो नाम है ये क्यों दिया गया है ये भी आप लोग सीख चुके हैं। तो आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक को डील करेंगे जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद की चीजें होती हैं। मैंने आपको पहले भी ये चीज कन्वे की हुई है कि हमने जो गैमेटोजेनेसिस देखा था या हमने जो गैमेटिक ट्रांसफर देखा था, जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन, ये सारी जो चीजें हमने देखी थी दैट वाज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, ये आप लोग को मैंने बताया था कि ये सारा जो स्टेप है ये कब चलता है, फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। ठीक है, फिर हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है एग्जैक्टली दैट इज नोन एज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, वो कैसे होता है। और उसके बाद आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में। तो आपने जब इस चैप्टर के पहले फर्स्ट चैप्टर रीड किया होगा तो वहां पर भी थोड़ा सा ओवरव्यू रहता है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन कौन कौन से चेंजेस होते हैं जो कि प्लांट या फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर होते हैं। तो वो चेंजेस हम आज देखेंगे। उन चेंजेस में जो दो मेजर चेंजेस आपको जानने हैं दैट इज एंडोस्पर्म फॉर्मेशन एंड द सेकेंड वन इज एम्ब्रियोजेनी, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो कि हम मोनोकॉट एंड डाइकॉट का सेपरेटली देखने वाले हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में आपके पास क्या क्या चीजें यहाँ पे होती हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में रिकॉल करना पड़ेगा ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर हमने सीखा था। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए विच वॉज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल जो कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर पाया जाता है। हमने जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने वहां पे ओव्यूल के डिफरेंट टाइप्स भी पढ़े थे। तो उन डिफरेंट टाइप्स में आई टोल्ड यू कि ये सबसे कॉमन टाइप है जो कि मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। व्हाट वॉज द नेम ऑफ दैट टाइप ऑफ ओव्यूल, अगर आप लोगों को याद है तो वेल एंड गुड, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि हमने जो वहां पे टाइप ऑफ ओव्यूल देखा था वो हमने इन्वर्टेड ओव्यूल देखा था जो कि मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। ओके, दिस वॉज द टाइप ऑफ ओव्यूल जो कि आपको मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये हम सीख चुके थे। तो अगर आप इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को जरा सा ध्यान में लेकर आओगे तो ये किस तरह का आपको दिखता था, एक फ्यूनिकल होता था यहाँ पे और उसके बाद आपके पास यहाँ इंटेग्यूमेंट्स हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ इंटेग्यूमेंट्स हैं एंड सेंटर में आपके पास यहाँ सेक्शन होता था जिसके अंदर, या जिस सेक्शन को आप एम्ब्रियो सैक बोलते हो। ओके, ये वाला जो पार्ट था जिसकी डेवलपमेंट हमने लेटर ऑन देखी थी, दिस वाज एम्ब्रियो सैक। इतनी चीजों की जो बात है वो हम कर चुके थे। अब इस ओव्यूल को अगर आप ध्यान से देखोगे या इसके अंदर की चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको याद आएगा कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हुआ करते थे। तो अगर वो सारे पार्ट्स में आपको रिकॉल करवाऊं तो हमने देखा था कि यहाँ ऊपर की तरफ तीन सेल्स थे। ठीक है, अब ऊपर की तरफ कहने से मेरा मतलब है कि ये जो आपका क्लोज्ड एंड है दिस इज चलाजा, याद होगा आप लोगों को, और ये जो ओपन एंड ऑफ द ओव्यूल है इसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल मेरा मतलब यहाँ चलाजा और माइक्रोपाइल से है। तो जो एंटीपोडल्स होते थे वो चलाजा के तरफ होते थे, और यहाँ नीचे भी आपके पास तीन सेल्स थे जिसमें दो सेल्स होते थे साइनर्जिड्स। ठीक है, यहाँ पर जो आपके दो सेल्स थे वो कौन से थे, साइनर्जिड्स, और यहीं पर आपके पास अलग से एक सेल हुआ करता था जो कि आपका फीमेल गैमेट था जिसको हम कहते थे एक्स सेल। ठीक है, तो इतना स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी मालूम है। अब ये बताने का आपको सेंस क्या है,
क्योंकि यहीं पे जो पार्ट्स आप देख रहे हो इस ओव्यूल के अंदर, यही लेटर ऑन पोस्ट फर्टिलाइजेशन मॉडिफिकेशन जो है वो शो करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार याद दिलाती हूँ कि यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या क्या होने वाला है। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा वो होता है डीजनरेशन ऑफ एंटीपोडल्स। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि जो एंटीपोडल सेल्स हैं उनका अब कोई फंक्शन यहाँ पर बचा नहीं है, तो उनका यहाँ पर डीजनरेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होगी, दैट विल बी डीजनरेशन ऑफ एंटीपोडल्स। जब मैंने आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको एक्स बॉडीज के बारे में बताया था। ठीक है, डू यू ऑल रिमेम्बर और नॉट कि हमने एक्स बॉडीज के बारे में पढ़ा था? यस या नो, एटलीस्ट आपको मुझे बताना होगा कि आप लोगों को याद है या नहीं दैट आई मेड यू क्लियर अबाउट एक्स बॉडीज। अब ये ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो हम उसको भी रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको समझाया था कि जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के टाइम पर व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि ये जो साइनर्जिड है ये पॉलन ट्यूब को गाइड करने के बाद डीजनरेट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि ये जो साइनर्जिड्स हैं और जो आपका ट्यूब न्यूक्लियस था जो कि पॉलन ट्यूब के थ्रू यहां तक पहुंचा था, ये दोनों डीजनरेट करते हुए एक्स बॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आपकी चीज होगी वो भी यही होगी कि एंटीपोडल्स के अलावा यहाँ और किस चीज का डीजनरेशन होगा, तो यहाँ पर आपके पास होगा डीजनरेशन ऑफ साइनर्जिड्स, क्योंकि अब इनका भी आपको कोई काम नहीं है। तो दीज आर टू पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। नेक्स्ट थिंग जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगी वो क्या होगी, वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जानना। ठीक है, आपको याद होगा कि यहाँ पर सेंटर में जो पोलर न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ था, मैं आपके लिए ब्लू कलर से डिनोट कर रही हूँ, दैट वॉज अ 3N ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हमने नाम दिया था प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। रिमेम्बर, दो पोलर न्यूक्लियाई जब उन्होंने फ्यूज किया था पॉलन के साथ तो उन्होंने फॉर्मेशन किया था प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का, विच लेटर ऑन विल गेट मॉडिफाइड टू प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। ठीक है, अब ये जो आपका ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है ये क्या करेगा, डिविजन करना स्टार्ट करेगा और ये जो पूरा आपका सेंटर वाला पोर्शन है दैट विल बी फिल्ड विद दिस 3N स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल के डिविजन से फॉर्म हुआ। रिमेम्बर, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस या सेल के डिविजन से ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है और ये जो आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज। और यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है किसका, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है एंडोस्पर्म का। ठीक है, एंडोस्पर्म का प्लॉयडी लेवल क्या होता है, मेजरली इट इज 3N, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जहां पर एंडोस्पर्म का जो प्लॉयडी लेवल है वो डिप्लॉयड हो जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फिलहाल आपका थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज क्या हुआ है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो आपका एग सेल है इसने भी तो एक पॉलन के साथ फ्यूज किया था, तो अब आपका जो फोर्थ वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज है दैट इज कि यहाँ जब एग सेल फ्यूज कर गया पॉलन के साथ तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ विच वॉज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये जो जाइगोट है लेटर ऑन इट गेट्स डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो। यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होगा, अगेन विच इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, हर एक पॉइंट पे आपको प्लॉयडी लेवल याद करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी अलग अलग स्टेजेस का प्लॉयडी लेवल आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, तो जाइगोट विल गेट डेवलप्ड इन टू एम्ब्रियो। तो आपके लिए यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज याद करने वाली है वो ये दोनों चेंजेस हैं, एक तो फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म और दूसरा है एम्ब्रियोजेनी मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये दोनों चेंजेस होते हैं बेसिकली
पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में जिनकी बात हम डिटेल में करेंगे. ऑलराइट, इसके अलावा और क्या क्या चेंज होगा आप लोग को अच्छे से याद होगा. आप लोग को पता होगा कि ये जो पूरी की पूरी ओवरी होती है यहाँ फ्लावर की, दैट विल गेट मॉडिफाइड इनटू फ्रूट. और आपको भी पता है कि अगर फ्रूट ओवरी से जनरेट करता है तो उसको हम ट्रू फ्रूट कहते हैं. ठीक है, अगर जो फ्रूट है वो ओवरी से जनरेट हुआ है या वहां से मॉडिफाई होकर बना है तो दैट टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट. ठीक है, कैन एनी वन ऑफ यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट? क्या आप लोगों को पता है कि फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? एनी वन ऑफ यू, आपको कोई भी एक फॉल्स फ्रूट का नाम बताना है. फॉल्स फ्रूट का मतलब है जो ओवरी से डेवलप ना करे. यस, वेरी गुड दिव्या एंड पलक, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज एप्पल. ठीक है, और अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं जो कि कॉमनली आप देखते हो या जानते हो तो दैट इज स्ट्रॉबेरी. ओके, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी जो होते हैं ये ट्रू फ्रूट्स नहीं है एंड द रीजन इज कि ये ओवरी से डेवलप करके नहीं आए हैं. ऑलराइट, तो ये आप लोगों को याद रखना है. नेक्स्ट थिंग, ओवरी के अलावा मैंने आप लोगों से यहाँ पर बताया था कि ओव्यूल क्या करेगा. तो ओव्यूल किस चीज में मॉडिफाई होने वाला है? रिमेम्बर, यहाँ पे अगर हम ओवरी से अंदर बात करेंगे ओव्यूल की, तो ये जो ओव्यूल है लेटर ऑन इट गेट्स मॉडिफाइड इनटू सीड. मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि जब यहाँ पे ओव्यूल का मॉडिफिकेशन सीड में होगा, ठीक है, जब ओव्यूल का मॉडिफिकेशन सीड में होगा तो वहां पर एक अगर ओव्यूल है तो एक सीड रहेगा फ्रूट के अंदर, अगर मल्टीपल ओव्यूल है तो मल्टीपल सीड्स वहां पर प्रेजेंट होंगे. ये बात हमने की थी. ओके, समबडी हैज जस्ट आस्क्ड मी, कार्तिक इज आस्किंग, ये किससे डेवलप करते हैं? ओके, देखो कार्तिक, अगर एप्पल की मैं बात करूं तो एप्पल जो है ना वो फ्लावर का थैलेमस वाला पार्ट होता है. ठीक है, आप एक बार क्लास 11th की बुक टर्न अप करके देखो, वहां जो मॉर्फोलॉजी वाला आप लोगों का चैप्टर है वहां आपको ये क्लियर बताया गया है कि जो एप्पल वाला पोर्शन होता है या एप्पल का जो एडिबल पार्ट आप खा रहे हो एज फ्रूट, दैट इज थैलेमस ऑफ द प्लांट या थैलेमस ऑफ द फ्लावर. ठीक है, वो थैलेमस है, तो ये आप वहां पे देख सकते हो. अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं कि यहाँ जो ओव्यूल है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड. अगर एक वहां पर आपका ओव्यूल है तो सीड भी एक होगा, और अगर वहां पर मल्टीपल ओव्यूल है तो सीड भी मल्टीपल प्रेजेंट होंगे. ठीक है, इतना आप लोगों को मैंने बताया था. इसके अलावा मैंने आपसे क्या बताया था कि यहाँ जो ये इंटेग्यूमेंट्स हैं, आप यहाँ ओव्यूल के ऊपर कवरिंग देख रहे हो और वो जो कवरिंग है उनको हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं. ठीक है, तो आपके सामने फिलहाल जो ओव्यूल ड्रॉ किया गया है दैट इज अ बायटेग्मिक ओव्यूल. रिमेम्बर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर इंटेग्यूमेंट्स दो हैं, दो कवरिंग आपको दिख रही है आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट की, तो ये एक बायटेग्मिक ओव्यूल है. तो ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं ये लेटर ऑन किसमें चेंज हो जाते हैं? ये चेंज हो जाते हैं सीड कोट में. ठीक है, तो ये जो सारी चीजें आपके सामने फिलहाल प्रेजेंट की गई हैं, दीज ऑल आर कंसिडर्ड टू बी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. कि फूल के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुआ, तो ये उसका एक समरी है कि कौन कौन से चेंजेस यहाँ पर हो जाते हैं. ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? एनीवन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट इन अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस? जो अभी तक आपको समझाया गया तो आप पूछ लीजिए. ओके, जयदीप इज आस्किंग अबाउट कैश्यू. तो कैश्यू तो नट है बेटा, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फ्रूट. ओके, फ्रूट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसमें आपके पास नट्स होते हैं, बेरीज होती हैं. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो आपका जो टोमेटो है दैट इज ऑल्सो अ बेरी टाइप ऑफ फ्रूट. तो वैसे जो कैश्यू है वो नट की कैटेगरी में आता है. ओके, यहां पर एप्पल या स्ट्रॉबेरी जैसा उसका कोई कंसर्न नहीं है. तो एनीवन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट टिल हियर? ओके, इसके जो नोट्स हैं, मतलब जो चीज अभी आपके सामने लिखी गई है, ये सारे जो नोट्स है ना ये आप लोग रिकॉर्डिंग से ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर सेव आई गेस नहीं हो सकता है.
So that will be the thing that whatever notes are written in front of you, you can later on see it from the recording. आप वहां से ये कलेक्ट कर सकते हो. तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. अभी तक तो आई गेस आप लोगों को याद हो गया होगा. तो हमें यहाँ पर जिन चीजों पे खास फोकस करना है, दैट विल बी द एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एंड नेक्स्ट विल बी द एम्ब्रियो का डेवलपमेंट. इनको हम डिटेल में देखते हैं, बाकी सब कुछ आपने सीखा हुआ है. तो लेट्स प्रोसीड. नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. ठीक है, तो एंडोस्पर्म जैसा कि आपको मालूम है कि एक न्यूट्रिटिव फूड लेडन पार्ट होता है, जहां पर काफी सारा न्यूट्रिशन स्टोर करके रखा जाता है ताकि जब एम्ब्रियो डेवलप करे तो हम उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके. ठीक है, अभी आपको इसका पूरा प्रोसेस भी समझ में आएगा कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो कैसे यहाँ से नरिशमेंट डिराइव कर पाता है या कैसे ले पाता है. इसके अलावा एंडोस्पर्म इज अ नॉन वस्कुलर स्ट्रक्चर. इस बात पे आप फोकस रखिएगा. नॉन वस्कुलर स्ट्रक्चर से हमारा मतलब ये है कि यहाँ पर वस्कुलर टिश्यूज मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम का प्रेजेंस आप नहीं देखोगे. ठीक है, अब कैसे बना था? This was formed as a result of the triple fusion. अगर मैं आपको triple fusion recall करवाऊं, तो triple fusion का मतलब क्या था? कि आपके जो polar nuclei थे, वो दोनों polar nuclei ने किसके साथ fusion show किया था? उन्होंने fusion show किया था with one pollen nuclei. तो जब इनका तीनों का fusion हुआ, तो since polar nucleus भी दोनों के क्या थे? Haploid. आपका जो न्यूक्लियाई था पॉलन का वो भी हैप्लॉइड था. तो यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन का मतलब है 3N स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन. ठीक है, तो दैट स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एंडोस्पर्म. नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पे एंडोस्पर्म की ज्यादा इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि ये एक नर्स टिश्यू होगा या नरिशिंग टिश्यू होगा फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो. और सबसे पहले जो ये है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम शॉर्ट में पेन कहते हैं. अभी मैंने आपको डायग्रामेटिकली शो भी किया था. लेटर ऑन इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग कंटिन्यूअसली और इसके डिवीजन से जो आपका सेल मास क्रिएट होगा दैट इज मेजरली ट्रिप्लॉइड. वो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म सेल मास बनता है. ठीक है, तो जब एम्ब्रियो डेवलप करेगा तब तक उसको नरिशमेंट जो है वो कहाँ से मिलता रहेगा? वो उसको एंडोस्पर्म से मिलता रहेगा. ऑलराइट, तो बिफोर मूविंग ऑन अगेन, कार्तिक का एक डाउट है. मैम, इन दैट कैश्यू इट इज सेड दैट इट इज आउटसाइड ग्रोन सीड. हाँ, उसका एक डिफरेंट कंसेप्ट है कार्तिक. वो मैं आप लोगों को तब रिकॉल करवाऊंगी जब आपका मॉर्फोलॉजी का रिव्यू टेस्ट होगा ना, तो वहां पे आपको ये कंसेप्ट में शॉर्ट में रिकॉल करवाऊंगी. क्योंकि अभी अगर हम उस पे चले जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा ये टॉपिक बीच में पॉज हो जाएगा. तो बेटर वेट फॉर इट. मैं वो आप लोगों को रिकॉल जरूर करवाऊंगी. ठीक है, नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक. यहाँ पे जो एंडोस्पर्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि एंडोस्पर्म किस तरीके से डेवलप किया है, उसके अकॉर्डिंग एंडोस्पर्म को तीन डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट टाइप जो आपके सामने है दैट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर एक्चुअली प्रोसेस होता कैसे है. यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास एक ही सेल होगा, दैट इज द प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल. लेटर ऑन ये जो आपका पीईसी है, मतलब कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है, इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग. बट डिविजन के टाइम पर याद रखिए, यहाँ पर जो डिविजन होगा वो डिविजन होता है फ्री न्यूक्लियर डिविजन. ठीक है, यहाँ पे जो डिविजन होता है उस डिविजन को हम कौन सा डिविजन कहते हैं? उसको हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिविजन. तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि यहाँ पर डिविजन के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा. ठीक है, यहाँ पे डिवीजन के टाइम पर कैरियोकाइनेसिस होगा, विच इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. मेरे कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर कंप्लीट जो आपका सेल है वो अभी डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ आप किस तरीके का स्ट्रक्चर देखोगे कि सेल वही का वही है,
बट द न्यूक्लियस हैज स्टार्टेड डिवाइडिंग, और जब यहाँ कैरियोकाइनेसिस होता रहेगा तो आप देखोगे कि इसी स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कंडीशन, यहाँ पर मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, और ये जो काफी सारे न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो क्यों हैं, क्योंकि फ्री न्यूक्लियर डिविजन था या फिर कैरियोकाइनेसिस केवल हुआ था, साइटोकाइनेसिस यहाँ पर नहीं हुआ है. अब इतना तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर ही रही हूँ कि आप कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस का मतलब समझते हैं. कैरियोकाइनेसिस मतलब है डिविजन ऑफ न्यूक्लियस, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है जब सेल दो भाग में टूट जाता है. ठीक है, तो यहाँ कैरियोकाइनेसिस पे ही आपकी जो चीजें हैं वो ब्रेक ले रही हैं. अब जैसे ही यहाँ मल्टीपल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो चुका होगा तब क्या होगा कि दिस विल बी कॉल्ड एज मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर. यहाँ आपकी जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन हो गई है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो चुकी है, और इस पर्टिकुलर स्टेज को या इस स्ट्रक्चर को हम सिंसाइटियम कहते हैं. ये भी आपने क्लास 11th में सीखा होगा कि सिंसाइटियम क्या होता है. ओके, तो ये वाली कंडीशन जो है जहां पर मल्टीपल न्यूक्लियाई क्रिएट हो गए विद द हेल्प ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिविजन, अगर इस तरीके का एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है तब हम उसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं. ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जो कि डाइकोटिलेडोनस एंजियोस्पर्म्स में आपको पाया जाएगा. ठीक है, एक और बात आप याद रखिए कि डाइकॉट्स में भी अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि पर्टिकुलरली कौन सा ग्रुप, तो आप बोलेंगे दैट इज पॉलीपेटली. ठीक है, पॉलीपेटली एंड गैमोपेटली होती है क्लासेस. तो यहाँ पे ये आपका जो कैटेगरी है जहां पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखा जाता है दैट इज पॉलीपेटली एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, डाइकॉट्स का ये वाला कैटेगरी यहाँ आपको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने के लिए मिलेगा. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपको बताना है तो वो होता है लिक्विड पार्ट ऑफ द कोकोनट, कोकोनट मिल्क जिसको आप कह सकते हो. ठीक है, जो उसका लिक्विड पार्ट होता है कोकोनट का, दैट इज बेसिकली वॉट इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ये याद रखिए. कोकोनट मिल्क का एक और सिग्निफिकेंस है जो आपने क्लास 11th में सीखा होगा. क्या किसी को याद है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कोकोनट मिल्क, उसमें और ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अलावा याद रखने लायक है? कुछ याद है आप लोगों को? वहां पर एक प्लांट हार्मोन पाया जाता है. नाउ आई विल नॉट टेल यू द नेम कि वहां पे कौन सा प्लांट हार्मोन पाया जाता है, वो आपको ढूंढना है कि कौन सा प्लांट हार्मोन प्रेजेंट होता है. इसी वजह से कोकोनट मिल्क जो है उसको हम यूज करते हैं फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक ऑल्सो. वहां पे जब आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम बनता है तो कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है. तो ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग को सर्च करना है. तो दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. नेक्स्ट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म अगर आप देखेंगे तो वो होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म. अब अगर आप न्यूक्लियर एंडोस्पर्म समझ चुके हैं तो फिर आप यहाँ पे सेल्यूलर एंडोस्पर्म भी आराम से समझ जाएंगे. तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म में बेसिकली क्या होता है, नाउ हियर द डिविजन इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस ऑल्सो. मतलब अभी तक आप डिविजन में कैरियोकाइनेसिस बस देख रहे थे, बट यहाँ पर साइटोकाइनेसिस भी होगा. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही ये आपका PEC मतलब कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगा तो पहले जरूर यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस होगा, मतलब कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसका डिविजन स्टार्ट होगा. लेटर ऑन जब यहाँ अंदर आपके पास काफी सारे न्यूक्लियस बन चुके होंगे तब क्या होगा, इन सारे न्यूक्लियाई के अराउंड साइटोप्लाज्म का डिपोजिशन स्टार्ट होगा. जैसे ही इनके अराउंड साइटोप्लाज्म डिपॉजिट होगा तो आप देख सकते हो कि ये डिफरेंट सेल्स के फॉर्म में आ जाएंगे. ठीक है, डिवाइड होने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे.
तो जैसे ही इनके अराउंड आप साइटोप्लाज्म का डिपोजिशन देखोगे, तब यहाँ पे कौन सी इवेंट स्टार्ट हो जाती है, तब यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है साइटोकाइनेसिस. एंड दैट इज द पॉइंट जहां पर आपको ये दिखाई देगा कि जो आपका स्ट्रक्चर था वहां पर अब मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन हो गया है. तो अगर आप मल्टीपल सेल्स के फॉर्म में एंडोस्पर्म को देख पा रहे हो, तो दैट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म विल बी कॉल्ड एज सेल्यूलर एंडोस्पर्म, क्योंकि यहाँ कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, सेल का भी डिविजन हुआ. अब 25% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में आपको इसी टाइप का एंडोस्पर्म मिलेगा, दैट इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म. ओके, ये दो टाइप के एंडोस्पर्म्स हो गए. अगर यहाँ पर हम थर्ड टाइप का एंडोस्पर्म देखें, तो द थर्ड इम्पॉर्टेंट टाइप इज हेलोबियल एंडोस्पर्म. अब हेलोबियल एंडोस्पर्म को जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसको हम इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म भी कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो हेलोबियल एंडोस्पर्म है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म. ये जो आपका इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म होता है, इसको ये इंटरमीडिएट टर्म किसी रीजन से दिया गया है, एंड द रीजन इज कि इसका आधा डेवलपमेंट किस तरीके का होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की तरह होता है, और इसका बाकी का आधा डेवलपमेंट जो है वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म की तरह होता है. तो यहाँ पर क्योंकि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का कंसेप्ट और सेल्यूलर एंडोस्पर्म का कंसेप्ट दोनों ही इन्वॉल्व हुआ है, तो दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा आप समझ लीजिए. यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज होना शुरू होती है, ऑब्वियसली न्यूक्लियस डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, और जब ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, दिस इज योर प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होंगे. और जब यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस विच विल बी फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ये दोनों ही चीजें होने लगेंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ सेल्स का फॉर्मेशन हो गया है. ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से कुछ डिफरेंट सेल्स बन जाते हैं, और ये जो सेल्स हैं लगभग 6 to 8, ठीक है, 6 to 8 सेल्स तक इनका फॉर्मेशन होता है. उसके बाद यहाँ पर अंदर जितना भी डिवीजन होगा, मतलब यहाँ की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे साइटोकाइनेसिस होना स्टॉप हो जाता है. एंड दैट इज द रीजन कि बाद में जो भी डिविजन्स होंगे, उन डिविजन को कौन सा डिविजन यहाँ पे माना जाएगा, उसको माना जाएगा प्री न्यूक्लियर डिविजन. ठीक है, बाद में यहाँ पर जो भी डिविजन होगा, उस डिविजन को क्या माना जाएगा, प्री न्यूक्लियर डिविजन. तो आप देखिए कि पहले यहाँ पर परफेक्टली सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा था फ्रॉम द बिगनिंग, विच वॉज द कैरेक्टर ऑफ सेल्यूलर एंडोस्पर्म, बट लेटर ऑन आप देख रहे हो कि जो डिविजन है वो कम्प्लीटली प्री न्यूक्लियर डिविजन हो गया, विच इज द कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ठीक है, तो क्योंकि दोनों तरह का डेवलपमेंट यहाँ कुछ कुछ अमाउंट में मिल रहा है, तो इसको हम इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म भी कहते हैं. ठीक है, दिस इज गिवन द टर्म एज इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म. यूजुअली ये तरीके का जो एंडोस्पर्म है, ये मोनोकॉट्स में पाया जाता है. मोनोकॉट्स में भी उसका जो ग्रुप होता है, जिसको हम हेलोबियल्स कहते हैं, वहां पर ये पाया जाता है. And this is the reason why it is called as hellobial endosperm. नहीं तो आप इसको intermediate endosperm बोल के भी छोड़ सकते थे, but that is why that is called hellobial endosperm. अब यहाँ पर ये सारे जो endosperms हैं, अगर ये हमें clear हैं, तो the important thing जो आपको याद रखनी है वो इनके examples होंगे. Nuclear का liquid part of coconut था. अगर आप सेल्यूलर का देखोगे, तो कोकोनट का ही जो व्हाइट पार्ट होता है, जिसको हम कोकोनट मीट कहते हैं, या जो कोकोनट का इडिबल पार्ट होता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेल्यूलर एंडोस्पर्म. अगर आप यहाँ हेलोबियल एंडोस्पर्म का एग्जांपल देखेंगे, तो वहां पे आप किसी भी मोनोकॉट का एग्जांपल दे सकते हो.
तो ये सारे टाइप्स होते हैं एंडोस्पर्म के, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ डेवलपमेंट कि एंडोस्पर्म कैसे डेवलप किया. ओके, अब यहाँ आपके लिए एक डायग्राम है विच इज शोइंग यू द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट्स. ठीक है, तो आप लोग एक बार तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट देख लो, फिर मैं आप लोग को दो से तीन पॉइंट एंडोस्पर्म्स के बारे में और बताने वाली हूँ. यहाँ पे सबसे पहले आपका जो एंडोस्पर्म आपको दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हो कि वहां फ्री न्यूक्लियाई हैं. तो फ्री न्यूक्लियाई होने का साफ साफ मतलब है कि दिस इज न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. यू कैन सी द डिविजन ऑफ न्यूक्लियस. दूसरे टाइप में आपको कम्प्लीटली सेल्स दिख रहे हैं अलग अलग, जो कि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन किए हुए हैं, सेल का मास है, तो दैट इज सेल्यूलर डेवलपमेंट. और तीसरा आपको जो दिख रहा है दैट इज हाफ ऑफ द न्यूक्लियर डिविजन एंड हाफ ऑफ द सेल्यूलर डिविजन, तो वो आपको एंडोस्पर्म जो है वो हेलोवियल या इंटरमीडिएट दिख रहा है. यहाँ पे एक और चीज मेंशन है जिसको हम रूमिनेट एंडोस्पर्म कह रहे हैं, तो यही बात है जो मुझे आपको एक्स्ट्रा बतानी है. आई गेस ये डायग्राम अभी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा. तो अगर वी आर क्लियर विद द डायग्राम, तो हम कुछ और बातें एंडोस्पर्म्स के बारे में यहाँ देख लेते हैं. कुछ और फैक्ट्स जो आपको यहाँ एंडोस्पर्म्स के बारे में याद रखने हैं, वो ये याद रखना है कि कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं जहां पर एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है. ठीक है, वहां पे आपकी जो कंडीशन है वो क्या है कि एंडोस्पर्म है ही नहीं, एब्सेंट है. अब इसका अगर आपको एग्जाम्पल याद रखना है तो आपको केवल एक ही एग्जाम्पल याद रखना है जो कि इनोथीरा प्लांट का होता है. वहां पर एंडोस्पर्म जो होता है दैट इज एब्सेंट. ठीक है, इसके अलावा अगर आप टोमेटो और मेज देखेंगे, टोमेटो एंड मेज, अगर इन प्लांट्स का आप एग्जाम्पल लोगे ना, तो यहाँ पर एंडोस्पर्म का एक खासियत होता है और वो ये होता है कि एंडोस्पर्म के स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंट कलर के पैचेस दिखाई देंगे. ठीक है, आपको क्या दिखेगा, डिफरेंट पैचेस जो कि अलग अलग कलर के होते हैं. ठीक है, डिफरेंट पैचेस आर प्रेजेंट और ये पैचेस डिफरेंट कलर्स के होंगे. तो इस तरीके का जो एंडोस्पर्म होता है उसको हम मोज़ेक एंडोस्पर्म कहते हैं. ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जो पैचेस होते हैं वो रैंडमली फॉर्म होते हैं, उनका कोई पैटर्न नहीं होता है एंडोस्पर्म के अंदर, तो वो हो गया मोज़ेक एंडोस्पर्म. इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर एंडोस्पर्म जो होता है वो डिप्लॉइड भी होता है. ठीक है, अब यहाँ पे एंडोस्पर्म जब आप डिप्लॉइड देखोगे तो डिप्लॉइड भी कुछ कुछ कंडीशंस में आपको यहाँ एंडोस्पर्म मिलेगा. अच्छा हाँ, एंडोस्पर्म और कौन सी जगह पे एब्सेंट पाया जाता है, ओके दैट एक्चुअली गॉट कंफ्यूजन ओवर हियर. ये चीज आप लोग करेक्ट कर लो जरा सी. करेक्शन आपको क्या करना है कि जो इनोथीरा है, इनोथीरा कंटेन्स डिप्लॉइड एंडोस्पर्म. ठीक है, टोमेटो और मेज जो होता है उसका तो सेम है, नो चेंजेस देयर. वहां पे आपको कौन सा एंडोस्पर्म मिलेगा, मोज़ेक एंडोस्पर्म जो कि डिफरेंट कलर के पैचेस वाला होता है. ठीक है, हाँ आपको जो एब्सेंट मिलेगा एंडोस्पर्म वो मिलेगा या तो ओरिकिडेसी फैमिली में, ओरिकिडेसी फैमिली होती है, इसके अलावा ट्रैपेसी फैमिली होती है जहां पर एंडोस्पर्म बिल्कुल भी पाया नहीं जाता है. नाउ दीज टू कंसेप्ट्स गॉट स्लिप्ड ओवर ईच अदर. ठीक है, कि इनोथीरा में वो एब्सेंट हो गया, बट दैट इज नॉट लाइक दैट. इनोथीरा में डिप्लॉइड है, ऑरिकिडेसी फैमिली या ट्रैपेसी फैमिली में एब्सेंट है, टोमेटो या मेज में आपके पास मोज़ेक होता है. कभी कभी एंडोस्पर्म जो होता है इसका अपियरेंस रफ होता है. ठीक है, इसका जो अपियरेंस आप देखोगे दैट अपियरेंस इज रफ और उसका सरफेस भी आपको छूने पर भी रफ टेक्सचर एग्जिबिट करेगा, तो उस तरीके के एंडोस्पर्म को कौन सा एंडोस्पर्म कहा जाता है, उसको हम कहते हैं रूमिनेट एंडोस्पर्म. ठीक है, उसको कहा जाएगा रूमिनेट एंडोस्पर्म. तो इतनी चीजें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है अबाउट एंडोस्पर्म्स. नाउ
अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप लोग वो क्लियर कर सकते हो. इज एनीवन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट. एक और बात, कोकोनट में मैंने आपको बताया कि जो लिक्विड पार्ट है दैट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो उसका मीट है या एडिबल पार्ट है वो है सेल्युलर एंडोस्पर्म. तो जो उसका लिक्विड एंडोस्पर्म होता है उसको हम ड्रिंकिंग एंडोस्पर्म भी कहते हैं, और जो उसका एडिबल पार्ट होता है वहां पे जो एंडोस्पर्म होता है उसको आप एडिबल एंडोस्पर्म भी कह सकते हो, क्योंकि दैट पार्ट इज एडिबल. ठीक है, और जो ड्रिंकेबल पार्ट है वो ड्रिंकिंग एंडोस्पर्म के नाम से भी कभी कभी डिनोट किया जाता है. तो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर अबाउट एंडोस्पर्म्स. यहाँ पे इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है अबाउट एंडोस्पर्म्स. ठीक है, एंडोस्पर्म का टॉपिक जो है हमेशा इसमें से शॉर्ट नोट बनता है, क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो बेटर कि इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. द नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डील करना है दैट विल बी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड डाइकॉट्स. मतलब डाइकॉट्स के अंदर एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसीजर कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे. बट बिफोर दैट ऑल ऑफ यू रिजॉइन द मीटिंग, फिर हम कैरी ऑन करेंगे.